नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिग डील चैनल में। आज हम बात करेंगे पोको फ़ोन के बारे में कि उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस कटिंग कहाँ से करी है। ये फ़ोन इतना सस्ता बनाया है शाओमी ने, जिस कारण सबके मन में यही चल रहा है कि शाओमी कोई घपला तो नहीं कर रहा। तो क्या ये बात सच है या नहीं, हम यही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने डिग डील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोको फोन के बारे में नहीं जानते तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक दिया गया है जिसमें आप पोको फोन का क्विक रिव्यू देख सकते हैं, जो कि एक ऐसा फ़ोन है जिसमें सब कुछ एक फ्लैगशिप डिवाइस वाला ही डाला गया है। अगर हम बात करें एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन की, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका प्रोसेसर, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें काउंट करते हैं, जैसे कि बढ़िया बिल्ड क्वालिटी या फिर एक बहुत ही अच्छा कैमरा या फिर अच्छा GPU, ताकि आप हाई एंड गेमिंग भी कर सकें। तो इससे पहले फ्लैगशिप किलर फ़ोन था OnePlus 6 का, जो कि 35,000 का था, और उसमें हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया डाली गई थी, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले या फिर कैमरा। लेकिन जब से Xiaomi ने अपना पोको लॉन्च किया है तो उसने फ्लैगशिप किलर OnePlus 6 की भी जगह ले ली है, लेकिन ये सब किया सिर्फ एक प्रोसेसर के नाम पर। अब हम बात करते हैं कि प्राइस कटिंग कहाँ कहाँ करेगी है। अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमने नोट करी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि OnePlus के मुकाबले बहुत ही लो है। Xiaomi का कहना है कि उनके कस्टमर्स की डिमांड थी कि पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया जाए। पॉलीकार्बोनेट भी एक प्लास्टिक ही है जिसे एक दूसरा नाम दिया गया है, और आप जानते ही हैं कि एल्युमिनियम के आगे पॉलीकार्बोनेट कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, जो कि IPS लो क्वालिटी डिस्प्ले है, जिसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास तो दिया गया है, लेकिन वो एक बहुत ही पुराना है। आजकल वैसे गोरिल्ला ग्लास 5 चल रहा है मार्केट में, लेकिन उन्होंने गोरिल्ला ग्लास 3 डाला है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में, जो कि ड्यूल कैमरास तो हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं दी गई है। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ 1080p वीडियोस पे ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नए मोबाइल या फिर मोबाइल सीरीज़ के लिए, वो है पोको का OS। जी हाँ, Xiaomi ने पोको में भी बहुत ही बेसिक MIUI ही डाला है, जिसमें कुछ ही 2-3 फीचर्स ऐड करके मार्केट में उतार दिया गया है। इसका मतलब है कि Xiaomi ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी बहुत ज़्यादा प्राइस कटिंग करी है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, जो कि है Xiaomi की मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बहुत सारे देशों में Xiaomi बहुत ही ज़्यादा बिकता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की, तो यहाँ Xiaomi का बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस है, का मतलब पोको की फ्लैश सेल शुरू होते ही सारे यूनिट्स बिक जाएंगे, तो इसी वजह से पोको की मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाएगी। ये चारों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ प्राइस कटिंग के बारे में है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोको एक घटिया फ़ोन है या फिर वर्थ नहीं है। Xiaomi की डिवाइस हमेशा की तरह सबसे सस्ते और सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हीं की तरह पोको भी एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और फास्टेस्ट फ़ोन है, एक बहुत ही कम प्राइस में, जिसमें आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन में होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें डिग डील चैनल को और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों प्लीज़ सजेशंस और कंप्लेंट्स के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें, और हमेशा ही ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।